तो जीएटी में तो आप मान के चलो जी, जीएटी का पेपर का जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, उसमें बच्चा करंट अफेयर अगर अच्छे ढंग से कर ले, मॉडर्न हिस्ट्री कर ले जी अपनी बढ़िया, साइंस कर ले, साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ लेता है, बायो के सिर्फ नोट्स नोट्स पढ़ के जाता है, पीवाईक्यू भी करता है और इंग्लिश बस, बाकी ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे ढंग से हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल ही रही है, ठीक है। इतना भी अगर आप कर लोगे तब भी आप जीएटी में ले लोगे, क्योंकि जीएटी जो है ना वो मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट्स का पेपर है, ठीक है जी। उसको आपको 150 क्वेश्चन मिल रहे हैं जी, और अगर आप अच्छे ढंग से इसमें स्कोर कर लोगे ना 75 से 80, और जो कि आप कर सकते हो, जीएटी का पेपर आप मान के चलो, इंग्लिश जो होती है वो तो जिसने धीरे सर और गौरी मैम से पढ़ लिया उनका बेड़ा पार है भाई, ठीक है। तो ये आपको टफ लगने नहीं वाली, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है 10th स्टैंडर्ड तक आती है, ये भी टफ नहीं लगने वाली। करंट अफेयर अगर जतिन सर की सुबह क्लास लगा रहे हो, करंट अफेयर में दिक्कत रहेगी, दिक्कत रहेगी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में दिक्कत रहती है, पॉलिटी का तो वैसे ही सिलेबस कम है, ठीक है। अगर कंसाइज दे, अगर आपने कार्तिक सर के भी लेक्चर्स देखे हुए हैं तो भी आपका डन हो जाएगा, दिक्कत फंसोगे कहां, मॉडर्न हिस्ट्री ज्योग्राफी के अंदर फंसोगे आप, ठीक है। या हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री भी पकड़ लो, मिडिवल भी पकड़ लो, ऐसे सवाल नहीं आते, ठीक है, ज्यादा मॉडर्न के ही आते, ठीक है। और ज्योग्राफी ये दर्द देती है आपको, क्योंकि इसको जितना मर्जी पढ़ लो दिक्कत आती जाती है। तो जीएटी का पेपर आप मान के चलो, आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन अ टफर एंड, ठीक है जी। ये थोड़ा सा टफ रहेगा बच्चों के लिए, चैलेंजिंग ये रहेगा, मैथ चैलेंजिंग भी रहेगा, मैथ उसके लिए चैलेंजिंग रहेगा जिसने सवाल किए ही नहीं, जिसने प्रैक्टिस की ही नहीं, उसके लिए दिक्कत रहेगी, ठीक है। और आप ये मान के चलो हलवा पेपर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो प्रीवियस ईयर अगर आप 2010 के 11 के 12 के पेपर देखो, वैसे हल्के पेपर अब नहीं आते, ठीक है ना। लास्ट 3 पेपर आप उठा के देखिए, लेवल है, कुछ स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का, ठीक है। जेई के क्वेश्चंस भी एनडीए के अंदर आए हुए हैं, तो एक स्टैंडर्ड यूपीएससी फिक्स कर रहा है कि भाई इतने से नीचे तो नहीं हो पाएगा। जो बच्चे एनसीईआरटी के बिलीफ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग ट्यूशन क्लासेस से पेपर निकाल लेंगे, आप बैठ के देखिएगा पेपर में, वो प्रेशर फील करिएगा, 2.5 घंटे में 120 सवाल होते हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा कंसेप्चुअल नॉलेज भी जरूरी है और ट्रिक्स भी जरूरी है, दोनों पार्ट आने चाहिए, मिक्सचर चाहिए बच्चों का। सिर्फ ट्रिक्स काम नहीं कर सकती, सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं काम कर सकती, दोनों कॉम्बिनेशन काम करते हैं, जो कि टीम अर्पित आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। तो मैथ्स का पेपर मीडियम रहेगा, चैप्टर कोई मत छोड़ देना, जीएटी आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन अ टफर एंड।